नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योति। आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ बड़ी खबरों पर। ईडी ने ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ संपत्ति अटैच मामले में दायर किया पूरक आरोप पत्र। प्रवर्तन निदेशालय ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला की संपत्ति मामले में पूरक आरोप पत्र दायर किया है। ये चार्जशीट चौटाले की पिछले दिनों अटैच की गई संपत्तियों को लेकर। चार्जशीट पर 16 मई को सुनवाई होगी। अम्बाला के दो दिग्गजों का कर्म क्षेत्र बदला, अब धर्म क्षेत्र करेगा भाग्य का फैसला। राज्य मंत्री नायब सिंह सैनी को भाजपा के प्रत्याशी के रूप में कुरुक्षेत्र से चुनाव मैदान में उतारा गया है, जबकि पूर्व मंत्री निर्मल सिंह को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। खास बात यह है कि दोनों ही नेता पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि इससे पहले दोनों नेता विधानसभा चुनाव तक सीमित थे। अब हरियाणा में होगा स्टार वॉर। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के माहौल में तापमान के संग गर्मी चरम पर पहुंचेगी। अब राज्य में स्टार वॉर शुरू होने वाला है। भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बसपा के राष्ट्र नेता हरियाणा का रुख करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह अपने दो दो दिन के दौरे में हरियाणा की हर लोकसभा सीट के मतदाताओं तक पहुंच बनाएंगे। कोलकाता को मिली लगातार छठी हार। आईपीएल में गुरुवार को खेले गए मैच में राजस्थान रॉयल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 3 विकेट से हरा दिया। कोलकाता की इस आईपीएल में यह लगातार छठी हार है। कोलकाता की टीम ने हार के मामले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की बराबरी कर ली है। आशाराम का बेटा नारायण साई दुष्कर्म का दोषी करार, 30 अप्रैल को होगा सजा का ऐलान। सूरत की रहने वाली दो बहनों की ओर से लगाए गए दुष्कर्म के आरोप में कोर्ट ने नारायण साई को दोषी करार दिया है। नारायण साई की सजा का ऐलान 30 अप्रैल को होगा। अगर आपकी कोई भी राय है तो आप हमारे साथ जरूर शेयर करें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर। बाकी के अपडेट्स के लिए आप हमारे वेबसाइट www.arthprakash.com पर भी जा सकते हैं और हमारा एंड्रॉइड ऐप भी आ गया है, आप उसे भी इंस्टॉल कर सकते हैं अपने फ़ोन पर। और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।